आज निकालना सीखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को सही तरीके से सही जो है क्वेश्चन सीखना है। अब यहाँ पर देखना यह है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण कितने डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे वृत्त, पहले बात क्या करते हैं, त्रिज्या खंड के एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले यह समझना है वृत्त, वृत्त की आकार क्या होते हैं, गोलाकार, जो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि यहाँ पर देखिए ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक वृत्त, देखिए ये जो है एक वृत्त बना लिया यानी गोलाकार, इसको क्या कहेंगे वृत्त, और इसमें त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर केंद्र मान करके यहाँ से ऐसे और ऐसे मान लेंगे, यानी इसको कहते हैं त्रिज्या, क्या कहेंगे त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या की लंबाई जो है वह है 6 सेंटीमीटर, इसको नाम ओ रख देते हैं, ए बी यहाँ पर कहीं पर क्यू, समझे ना, ये नाम जो आपको रख देना है। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले और कोण कितने डिग्री यानी थीटा, जो कोण दिया है उसको क्या कहेंगे थीटा, यानी यह कोण जो है ना वह 60 डिग्री दिया है, कितने डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तब आप लोगों को जो यहाँ पर जो सीखना है वह किस तरीके से बनाएंगे वह देखिए। तो त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल लगाएंगे, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वह बहुत ही इजी सूत्र है। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो समझना है कि थीटा जिसमें कोण दिया हुआ है कितने डिग्री 60 डिग्री, वही थीटा का मान, तो यहाँ पर थीटा का बदलाव होगा कितने डिग्री 60 डिग्री, बटा यह कितना है 360 गुण, यह क्या है पाई, क्या पाई। अब यहाँ पर समझना है कि पाई, पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान जो होता है यहाँ पर 22/7, पाई का मान 22/7 गुण गुणा दे देते हैं। अब है क्या त्रिज्या यानी आर स्क्वायर, क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर 6, त्रिज्या को हमें कितना बार लिखना है 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर स्क्वायर यानी 2 बार लिखना है, 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है हमें यह समझ आ गया। अब यहाँ पर इसको जो है हम काटेंगे, देखिए 0 से 0 और 6 से 6 इसको काट दिए और इस 6 से इस 6 को क्या कर देंगे काट देंगे। अब करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना, 22 और 6 तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13 132 बट्टा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 132 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप लोगों को जो है इसी आधार पर जो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, और जहां पर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी सवाल में दिक्कत हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए और इसको सॉल्व करके हम आप लोगों तक जो है इसका आंसर पहुंचाएंगे। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।